आई थिंक इट्स रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। किसी की तरफ कोई नोटिफिकेशन आता है तो मुझे अंदाज़ा हो जाए। नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आता। साइट पे ना वो ओपन हो जाता है ना, उसमें पता लग जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। नीचे टास्क बार पे, हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। टास्क बार पे एक स्क्रीन आ रही होगी, यस आ रही है, आ रही है। उसमें सेव का ऑप्शन भी आ रहा होगा, वो सेव नहीं कीजिएगा स्टॉप बस भी वो। ओके हो गया। एक तो चल रहा है, स्टॉप चल रहा है, पॉज चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब चल रहा है। ठीक है तो स्टार्ट करें। अरे मेरी आवाज ठीक आ रही है या बिल्कुल सही आ सही नहीं रही आ है, रही? बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके। यहीं से स्टार्ट करूँ या इसको बैक लेके जाऊँ शुरू बैक से? ले जाओ, बिल्कुल बैक ले जाओ। अच्छा हनान, साथ साथ आप बोलते भी जाओ ना कि हम यहाँ पे जाके हमारे पास न्यू कैंपेन का ऑप्शन है, ताकि ना अंडरस्टैंडिंग रहे सबके लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें न्यू कैंपेन और न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। इसमें फिलहाल हमारी सर्विसेज की वेबसाइट है शूरा, जिसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो बट हम इसको इसको रखते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। सर्च कैंपेन है हमारी, और सेलेक्ट किया और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा वेबसाइट विजिट, और यहाँ हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे। नेम दे देंगे कैंपेन का, शुरू, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। ओके, सो बिडिंग का पूछ रहा है। यहाँ हमारे पास स्ट्रेटजी, और हम इसको क्लिक्स पे लेके जाएंगे पहले, और अब सीपीसी हमने मैक्सिमम यहाँ सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ ये बार ये कुछ कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, तकरीबन 15 कीवर्ड्स हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा हाई बिड ये है और लो ये है। इन दोनों को हमने ऐड किया, जो कि 8,839 बन गया, और उसको फिर हमने 15 से डिवाइड कर दिया बिकॉज हमारे कीवर्ड्स 15 हैं। तो हमारे पास ये एवरेज सीपीसी आ गई, तो हम इसको अराउंड 620 रख लेंगे। 590 आई है तो 610, 620, तो इसको आप रख लेंगे। ओके, सो कस्टमर एक्विजिशन, बिडिंग फॉर अ न्यू कस्टमर, अच्छा लीड्स, हनान इनवाइट्स। 1 मिनट आप यहाँ पे पॉज लो ज़रा। अच्छा सीपीसी निकालने का वे जो है किसको आता है, ज़रा हैंड रेज करें। अच्छा बताएं ज़रा सीपीसी कैसे निकलती है। अच्छा फिर मैंने जब मैंने अपनी कैंपेन रन की थी उस पर मैंने क्या किया था कि जितने ये कीवर्ड है ना लो बिड वाले इन सबको प्लस किया था, और जो हाई बिड वाले इन सबको प्लस किया था। इन तो प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया और मेरे पास एवरेज सीपीसी आ गई थी। और फिर मैंने उस्मान सर से पूछा, उस्मान सर ने कहा कि जो सबसे हाईएस्ट जो हाई बिड है उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको लें, और उसके आगे जो लो बिड है उसमें से एक जो सबसे लो है उसको लें। तो फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद आगे डिवाइड करते हैं। डिवाइड अब मुझे इसकी किस श्योरिटी नहीं है, 2 पे करना है। मुझे इस चीज़ की एश्योरिटी नहीं है कि इन्होंने कहा है कि 15 जितने कीवर्ड्स होंगे तो लाइक उतनी करनी है, लेकिन मुझे स्टिल 15 2 ही लग रहे। करना? हाँ तो बाकी नहीं मेरा ये भी इमरान, आप इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करो। किसमें? ये जो सीपीसी निकलती है ये 15 पे डिवाइड नहीं होगी। लाइक अगर हमने 15 निकाले हैं कीवर्ड्स तो हम उसको 15 पे डिवाइड नहीं कर, हम जितने कीवर्ड्स लेंगे हम उनको उतने पे डिवाइड करेंगे।
हाँ उतने पे डिवाइड करेंगे, मत अब करेंगे जितने कीवर्ड्स की यहाँ निकालेंगे उतनी पे डिवाइड कर देंगे, जितने कीवर्ड्स की हम सीपीसी इकट्ठी करेंगे ना वहां से तो उतने उतने कीवर्ड्स पे पे ही डिवाइड हम डिवाइड। करेंगे। अब ये किसी को नहीं पता होगा कि हमने 15 कीवर्ड्स लिए हैं, ये किसी को नहीं पता होगा कि हमने 16 कीवर्ड्स लिए हैं, हम कितने ले रहे हैं, लेकिन हमने एड के कितने किए हैं हमने उनको देखना है, तब हमारी एवरेज निकलती है। एवरेज निकलती ऐसी है ना कि आपका जितना आपका टोटल अमाउंट बन रहा है और उसको उतने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना होता है, तो फिर आपका एवरेज निकलता है। तो ये ऊपर आपका जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट आ रही है, ये जो भी आ रही है ठीक है, और कॉस्ट आ रही है, उसको आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आपने ऐड की हैं, वो वैल्यूज पे आपने डिवाइड करना। यानी कैंपेन में हम जितने कीवर्ड्स रखेंगे उससे हम करेंगे। नहीं, आपने एवरेज निकालनी है ना अपने सीपीसी के लिए, तो आपने कितने कीवर्ड्स को ऐड किया है ये तो अब आपको पता है ना, आपने कितने कीवर्ड्स को ऐड किया है, तो आप उसके दो से डिवाइड अकॉर्डिंग, हो गया। अगर आपने टू को चूज किया है तो आप टू पे डिवाइड करें, अगर आपने थ्री को ऐड किया है तो आप थ्री पे डिवाइड करें। मैंने चेक किया है, ये देखिए ये है ये अमाउंट। अच्छा उस इस सिचुएशन में फिर जिनकी ये बिड है ही नहीं वो तो समझे इग्नोर नहीं हो जाएंगे। हाँ उनको तो नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, जिनकी है उनको कैलकुलेट करेंगे। उससे वो इग्नोर जिन नहीं होंगे, हमने वो तो उसको एवरेज एक में आ एवरेज देनी जाएंगे ना। है कि हमारे क्लिक्स आए, एक एवरेज हमने देनी है अपने, जब हम कैंपेन बनाते हैं हमने एक कस्टमर को एवरेज देनी, जब वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच, ताकि वो उसकी अप्रोच हो जाए, अप्रोच इजी बनाने के लिए हम उसको सीपीसी जो है वो ये बिडिंग रखते हैं, ताकि अगर आपकी कॉस्ट देखें, अगर आपका एक कीवर्ड जो है 400 रुपीज़ का, आप उसकी सीपीसी जो है ना वो 100 रुपीज़ रख देते हैं सपोज, ठीक है, तो वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा। आपकी इतनी सीपीसी होनी चाहिए कि अगर आप उसके पास पास हैं और उससे थोड़ा ऊपर हैं तब वो आपको अप्रोच कर पाए, ठीक है। हाँ, आप अपनी लाइफ टाइम एग्जांपल्स भी आप इसमें कोट कर सकते हो, कि कोई भी आप रियल टाइम एग्जांपल लो, आपने कहीं पे ऑटो लिया है, आप कहीं पे कार आपने हायर की, आप कुछ भी और कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच वो होगी जिसपे जो आपकी अमाउंट फिक्स होगी, ठीक है, उसके अंदर फिर सारी रेंजेस आ जाएंगी, लो बिड भी आ जाएगी, हाई बिड भी आ जाएगी, आपकी सबसे लो कौन सी होगी, आपकी सबसे लो ही 400 है, तो वो आपके 400 को ही रीच नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने सीपीसी 100 रखी है, आपका सर्च आपका एड नजर ही नहीं आ रहा किसी को। आप एटलीस्ट इतना रखो कि आपका एड नजर आना शुरू हो, उसके ऊपर इंप्रेशन आने स्टार्ट हो, ठीक है, तो फिर ही आपका नजर आएगा ना, तो इतनी फिर वो हम मिडल वैल्यू हम चूज कर लेते होते हैं, कि अगर आपका लो वाला जो कीवर्ड है वो 400 का है और मैक्सिमम कीवर्ड जो आपका 1200 है, तो हम बीच में 800 भी रख लेंगे, हम 900 पे भी चले जाएंगे, हमारी जो सेंसेस कहेंगी कि इस पे इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि गूगल एड्स इज टोटली अबाउट टेस्टिंग, लेकिन हमारा इतना बिडिंग को मतलब रेंज ऐसी होनी चाहिए बिडर की कि वो एटलीस्ट उसको आपके लो कीवर्ड्स भी कवर करे, आपके हाईएस्ट तक भी पहुंचने वाला हो, ठीक है, ताकि अगर कोई आपका बिलफर्स हाई रेंज वाला कीवर्ड है वो भी उसमें नियर बाय हो कवर होने के लिए। जी अच्छा इस में हम इसको, ये हमारे पास है अभी तो इस एग्जाम्पल में जी यानी ये लो को हम ऐड करेंगे फिर उसको हाई को ऐड करेंगे और उसको टू से डिवाइड करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जो इसमें हाईएस्ट, ऐसे भी हो सकता है, मैं बताता हूँ। इसमें ये होगा जितने कीवर्ड्स की बिट उठाएंगे ना लो या हाई की, मतलब जितने कीवर्ड्स की लो बिट होगी जितने कीवर्ड्स की हाई बिट होगी दोनों को प्लस करके फिर उतने कीवर्ड्स पे आप डिवाइड करेंगे जितने की आप बिट उठाएंगे। इसी यानी हम तरह इसको से पांच आप से इसी हाँ इसी तरह से ये पांच की उठा लेंगे, अब दोनों को प्लस करते हैं उसको पांच पे डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी होता है। अच्छा इससे ज्यादा इजी वे वो है जो महक ने भी बताया, उस्मान भी ने बताया था कि
सबसे हाई वाली बिट उठा ले एक बिल्कुल और एक बिल्कुल सबसे टू लो वाली उठा ले, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर पे डिवाइड कर दें, आपकी मिडिल वैल्यू निकल आएगी। दे। इससे भी सेम वही तरीका होगा, इससे भी वैसे निकलेगी। वैसे ये अभी फिलहाल जो है ना ये इजी अप्रोच है, मतलब किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये इजीएस्ट अप्रोच है कि लो आप लोएस्ट लो हाईएस्ट लो और डिवाइड करके 2 पे प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं बेसिकली भी डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ कर भी तकरीबन हमारे पास कितना आ जाता है। अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है तकरीबन आसपास ही आएगा। कितनी आई ये यार, ये 53 क्यों कौन सा वे किया है? यानी कि वो लो को ऐड किया हाई को ऐड किया दोनों का ऐड करके जितने की नंबर ऑफ कीवर्ड्स से डिवाइड किया। कितने कीवर्ड्स थे, कितने लिए? 5 5 की है ना, अच्छा अच्छा 5 किया उनको, ओके 5 से किया तो ये 5000 तकरीबन आ रहा है। और ये ठीक है तकरीबन आसपास है तो हम इसको 4600 या 4700 कर सकते हैं। नहीं जो ऊपर वैसे वाली जो आपने प्लस किया था ना उस वो जो सबसे लो की थी वो कहाँ है? ये वाली है, ये 2 पे डिवाइड किया लो हाई को। अच्छा ठीक है ये आ रहा है, ये वाली है। ठीक है ठीक है, तो यानी कि इसमें 4600 हम अराउंड ले सकते हैं। ठीक है राइट ले सकते हैं, एवरेज से ना कम रखनी है हमेशा थोड़ी सी। अच्छा एवरेज से कम रखनी है। और ये जो बिड है ना, बिड यहाँ पे होते हैं ऊपर जाए ना, इसमें बिड का ऑप्शन आता है इसको उधर। इसको हम फिर 4000 कर दें। 4000 कर दो, 4000 ओके। अच्छा ऊपर ये ऊपर जो बिडिंग आ रही है ना क्लिक्स पे, इसको ओपन करो, नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक्स क्लिक्स। अच्छा ये हाँ वाला यहाँ पे तो क्या बात। अच्छा ये जो ये बिडिंग आती है ना, ये जितनी भी ये आपको कौन सी बिडिंग आ रही है आप बताओ, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजीज है ये क्लिक्स वाली? ऑटोमेटेड सारी ऑटोमेटेड बिडिंग आ रही है। ठीक है इसमें मैनुअल नहीं आती, सेमी ऑटोमेटेड भी इसमें नहीं आ रही होती जब स्टार्टिंग में आप कैंपेन बना रहे होते हो। ये कन्वर्जन का और कन्वर्जन वैल्यू का मतलब है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, और कन्वर्जन वैल्यू भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक्स भी मैक्सिमाइज क्लिक्स हैं, और अब इंप्रेशन शेयर वाला टारगेट इंप्रेशन शेयर है। ठीक है ओके ठीक है, ये सारी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम कैंपेन बना रहे होते हैं तो इसमें हम क्लिक्स पे जाते हैं, मतलब कि मैक्सिमाइज क्लिक्स पे मैक्सिमाइज क्लिक्स पे जाते हैं। तो अगर आपने मैनुअल पे करनी हो ना कैंपेन बनाने के बाद, फिर वो मैनुअल पे होती है सेटिंग में अच्छा। जाके, जैसे सुमान भी ने उस दिन की थी सेटिंग में जाके कैंपेन में, फिर वो मैनुअल पे कर दिया थी। ठीक तो है सेमी ऑटोमेटेड भी होगी तो फिर वहां से होगी कैंपेन बनाने के बाद। अच्छा पब्लिश करने से पहले हो जाती है या पब्लिश करने के बाद? पब्लिश करने के बाद बाद में ओके। हाँ ये स्टार्टिंग में आपके पास यही ऑप्शन आएंगे, यही है ऑटोमेटेड ही स्टार्टिंग में है, और बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके पब्लिशिंग के बाद आपकी कैंपेन रन हो जाती है, आपके पास डाटा आना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आप करते हैं चेंजेस। अगर यूट्यूब कैंपेन बना रहे हो तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे जिसमें सीपीवी और सीपीएम, सीपीएम दो आएंगे बस। अच्छा नेचुरली अब जो हम स्टार्ट में फर्स्ट कैंपेन है और हम इसको ऑटोमेटेड पे लेके जा रहे हैं तो, और हमने मैक्सिमम सीपीसी लगा दिया, तो प्रैक्टिकली वो इस मैक्सिमम सीपीएस के मतलब ऊपर नीचे कितना वो करता है क्लिक को? कर लेता है ना, उस दिन बताया तो था उस्मान भी ने के कुछ क्या पूछ रहे हैं, कुछ मैं... कुछ ऊपर नीचे चला जाता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जाता, मतलब ये 4 है तो 4200 पे चला जाएगा, 4300 पे चला जाएगा, तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा अगर लिमिट आपने फिक्स कर दिया, ये वही वाली चीज है जब उस्मान भाई ने भी और इन सब ने भी बताया, सारे सर वगैरह ने बताया था कि अगर हमारा महीने का बजट है ना 2000, तो गूगल एक अगर डेली का हमने 80 है इस तरह कुछ भी रखा है,
तो वो हमारा महीने जितने मर्जी एक दिन में यूज करे, लेकिन महीने में हमारा 2000 पूरा करेगा। ये यहाँ पे ये चीज यूज होती है। तो यानी वो मैक्सिमम 4000, इससे ज्यादा थोड़ा बहुत ही जाएगा, 4500 पे चला जाएगा। फिर ये नहीं कि 4500 पे चला जाए, अगले एक दो दिन बाद नीचे भी आ जाता है, 3500 पे भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह के मतलब कट कर रहा है ठीक हो गया। कीवर्ड के हिसाब से, जितना कीवर्ड एग्जैक्ट होगा उसकी पेमेंट ज्यादा कट कर लेगा आपसे, रेज में थोड़ा कम कट कर लेता है, फिर इस तरह से जाता है। अच्छा, तो ठीक हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट इस पे जो है, ये हम फॉर न्यू कस्टमर ओनली तो नहीं करेंगे? ये छोड़ दो, ये इसको ऐसे रहने दो। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, यहाँ लोअर कॉस्ट सर्च विद अनयूज्ड सर्च बजट। ये दो ऑप्शन होते हैं, ये सर्च पार्टनर्स हैं, ये ऊपर सर्च के पार्टनर्स हैं, मतलब कि कहीं पे भी सर्च का जो ऑप्शन होता है वहां पे हमारा ऐड दिखाई दे, और नीचे होता है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले मतलब कि कहीं पे अगर डिस्प्ले वाली साइट पे हमारा ऐड दिखाई दे रहा है तो वो देखे, मतलब नीचे डिस्प्ले वाला हम नहीं करते सिलेक्ट हमेशा। अच्छा, वो जो वेबसाइट्स पे डिस्प्ले एड्स लगे हाँ होते हैं, ये डिस्प्ले वो ऐड वाला लगे है? होते हैं, हाँ ये नीचे वाला खत्म करेंगे। ओके ओके, और ठीक है। दानिश भाई एक दफा अपना मैसेज देखिएगा। यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन है आप लोकेशन टारगेट ठीक करें। है, यस। ओके, बिजनेस हमारा दुबई का है तो हम यहाँ दुबई करेंगे। और अच्छा, यहाँ लैंग्वेज ऊपर इंग्लिश ऊपर जाओ, और थोड़ा सा ऊपर जाओ। यहाँ पे ये है लोकेशन ऑप्शन, इनके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे टू ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, हम लोग ये चूज करेंगे इसमें। इसे ये है कि जो आपकी लोकेशन है ना वहीं पे आपका ऐड शो होगा, मतलब अगर पाकिस्तान से हम लोग सर्च करेंगे तो वो हमें ऐड शो नहीं होगा, हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे उसके ऊपर। ओके, सिर्फ मैक से प्रेजेंस। पूछो, मैक से पूछो, इसने पोस्ट बनाई हुई हाँ है। महक ने पोस्ट भी बनाई है। महक बताओ। ओके यहाँ पे आप पहले, आपके पास इसका कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? नहीं नहीं आपसे नहीं है, नान से आयशा भी नहीं नहीं नहीं। ये जब हम अपने लोकेशन टारगेट करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आते हैं, ये जो ऊपर वाला ना प्रेजेंस और इंटरेस्ट, इस पूरी लाइन को पढ़ने के बाद देखें, जो अगर हम जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, दुबई में एड्स रन हो रहे हैं, हम सर्विसेज कह रहे हैं कार पेंटर, सॉरी कार रिपेयरिंग सर्विसेज इन दुबई, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट है, दुबई का ऐड पाकिस्तान में शो हो रहा है, ठीक है, और इसने ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये चूज किया हुआ, इस वजह से दुबई का ऐड, जबकि उसकी टारगेट लोकेशन दुबई है, और फिर ऐड पाकिस्तान में क्यों शो होगा? इसका मतलब है इसने इसलिए ये चूज किया है कि अगर मेरी लोकेशन के बाहर भी, ठीक है, कोई इस चीज में इंटरेस्टेड है तो उसको मेरा ऐड शो हो, ठीक है। लेकिन अगर जब हम नीचे आएंगे प्रेजेंस पे, तो इसका मतलब जो हमारी टारगेट लोकेशन है उसके अंदर जितने लोग हैं उनको ही शो होगा। अगर पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है इस चीज में, इंटरेस्टेड है, उसको भी ये चीज शो नहीं होगी, सिर्फ दुबई में हमारे टारगेट लोकेशन में होगी। इसलिए हमेशा ये नीचे वाला चूज करना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे हमारा एक्स्ट्रा बजट नहीं जाया होता, बल्कि बजट नहीं जाया होता, एक्स्ट्रा क्लिक्स नहीं आती, और ये सब चीजें हैं। इसे हमेशा नीचे वाले को आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ना समहाउ ये क्लाइंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और हमारी बिजनेस नीश के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। मतलब अगर एयर टिकट्स हैं और हम वहाँ से, यहाँ से बैठ के वहाँ की सर्च करना चाह रहे हैं, और वहाँ से अपनी कोई फ्लाइट वगैरह करवाना कहीं और की चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एड हमारे जो है वो शो हो, अगर वो क्लाइंट चाह रहा हो कि मतलब उसका एड यहाँ पे भी शो हो, तो हम वो देख सकते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ अच्छा हाँ बात की चीजें मोस्टली मोस्टली यही हम लोग चूज करते सर्विसेज हैं। पे डिपेंड करता है ना। वही ना, सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आपने अब अगर कौन कोई सी जैसे वर्ल्ड दिखानी है सर्विस, आपने किस जगह को टारगेट करना है, ये हमारी। जैसे अब इनकी सर्विसेज है दुबई में है, ठीक है, तो पाकिस्तान में जो सर्च करेगा उसने क्या कर बिल्कुल, लेना वो है, सीपीसी जूम जो में क्लिक जाया वेस्ट हो कर। गया, वेस्ट हो गया हमारा। बिल्कुल ठीक है।
सिंपल बात इसकी ये है कि जो टारगेट लोकेशन है आपने उसी में ही ऐड दिखाना है लोगों को बस, और किसी लोकेशन से अगर सर्च करे तो उसको ऐड दिखाई ना दे। कोई भी नीच है ना, कोई भी नीच है, टारगेट लोकेशन से बाहर कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरा ऐड दिखाई दे। अगर तो वो सर्विसेज दे रहे हैं ना कहीं किसी और जगह पे, तो वो अपना ऐड वहां पे रन करवाएगा। अगर तो वो ऐड रन नहीं करवा रहा उस टारगेट लोकेशन पे, तो इसका मतलब है वो ऐड नहीं दिखवाना चाहता वहां पे। तो सिंपल बात ये है कि जो आपकी टारगेट लोकेशन हो ना, उसी के अंदर ही जो बंदा सर्च करे तो ऐड नजर आए, इसलिए जो नीचे वाला ऑप्शन है ये बेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब लैंग्वेजेस में जैसे अब इंग्लिश तो आ गई, लेकिन हमने दुबई सेलेक्ट किया तो उसमें अरबिक भी हम वो हमें और सजेस्ट, लैंग्वेज कर दें। वो रिकमेंड कर रहा है आपको, तो वो अरबिक में भी वो सर्च करते हैं लोग। आप जहाँ का ऐड लेकिन बना रहे होते हो ना, मोस्टली वो आपको वहाँ की लैंग्वेज ये रिकमेंड कर देता है, मतलब स्पेनिश भी रिकमेंड पर हो या ये फिर है। इंटरेस्ट बेस होता है, इंटरेस्ट हाँ बेस, मतलब दानिश भाई, लोग इस इंटरेस्ट इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे अब इन्होंने अरेबिक चूज कर दिया है, ठीक है, अगर कोई दुबई में, हम पाकिस्तानी वहां पे जाके बैठ जाते हैं और वहां पे जाके जी सर्च करें हमें इस चीज की जरूरत है, तो उनको अरेबिक नहीं पढ़नी आती। तो हमारा इंग्लिश में भी शो होगा ना, देखो वो दोनों है, वो देखो ये हमने जो कीवर्ड हमने शो कराए हैं ना, हमारा ऐड तो कीवर्ड पे दिखाई देना है। अब हमने अगर अरेबिक में कीवर्ड नहीं यूज किया तो हमारा ऐड अरेबिक में शो कभी भी नहीं होगा उस कीवर्ड पे, हमारा ऐड शो होगा इंग्लिश वाले कीवर्ड्स पे। तो ये जो यहाँ पे और लैंग्वेज लैंग्वेज होती टारगेट कर है, ये दें। लैंग्वेज जो होती है ना, ये इंटरेस्ट बेस होती है कि इस इंटरेस्ट के लोगों को आपका ऐड दिखाई दे। मतलब कि अब मैं अगर कोई एक अकाउंट बनाता हूँ गूगल का, तो वहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह अरेबिक लोग होते हैं, वो अरेबिक सर्च करते हैं, ये उस तरह के इंटरेस्ट लोगों को भी दिखाएगा हमारा ऐड। ये देखे ना, बेस्ड ऑन द यूजर्स लैंग्वेज सेटिंग्स एंड द हाँ लैंग्वेज ऑफ द साइट। हाँ लोगों ने ना अपने इंटरेस्ट बेस की लैंग्वेज सेलेक्ट की होती है ना। अब ज्यादातर लोग अरेबिक में सर्च करते हैं, उनका इस तरह से समझ लें उनका जो इंटरेस्ट है वो अरेबिक में है, तो इस तरह के लोगों को भी हमारा ऐड दिखाई देगा। पर शर्त यह है कि वो कीवर्ड इंग्लिश वाला ही सर्च करें, तो ये नहीं कि वो अरेबिक में सर्च करें यही कीवर्ड तो हमारा ऐड उनको दिखाई दे दे, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अब हमने अरेबिक सेलेक्ट किया, यहाँ इंग्लिश में फर्ज करें बिजनेस सेटअप कोई सर्च करता है और उसने अपनी सर्च इंजन की जो लैंग्वेज है उसको अरेबिक रखा हुआ है। नहीं, इंग्लिश में सर्च ऊपर करेगा तो मैम होगा। यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई करो, वो जो ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जब हम लोग कोई फिलिपीनीज की या हम कोई इसी तरह स्पेनिश वगैरह या कोई और लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं, किसी कोई और वेबसाइट हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास एक इंग्लिश का ऑप्शन होता है और ऊपर एक ट्रांसलेट का दूसरा मतलब दूसरी लैंग्वेज का ऑप्शन भी होता है। आप इसको देख लो या इसको देख लो, जब हम कैंपेन बना रहे थे तो हमारे पास काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस की थी ना वेबसाइट, तो उसमें बताओ कि ये वो तो अरेबिक फिर हमने कैसे। कीवर्ड्स भी तो उसको चेंज करके रखे थे ना। हाँ, वो हमने वो रखे तो थे, लेकिन फिर अगर देखो मुझे ये बताओ कि जस्ट अरेबिक आ गया बिल फर्स्ट, तो अरेबिक इंग्लिश में है तो हमारा ऐड शो होगा ही होगा, फिर अरेबिक में किन लोगों को शो होगा? अरेबिक में वो मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट बेस लोगों को शो होगा, अब अरेबिक में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को शो होगा। इसमें इंटरेस्ट की बात आ जाती है, इसमें जरूरी नहीं कि जो अरेबिक सर्च करे उसको हमारा ऐड दिखाई दे दे। यानी कोई संभव हो सकता है कि हमारा ऐड दिखाई दे दे, कहीं पे सैनोनियम आ जाता है इस तरह से, पर ऐसे होता नहीं है। ये यहाँ पे वो कहता है कि इंटरेस्ट बेस हो, मतलब इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं जो लोग उनको दिखाई दे। इमरान भाई, अगर सर्च इंजन ही अरेबिक होगा तो वो इंग्लिश में कैसे सर्च करे? तो फिर नहीं दिखाई देगा ना हमारा ऐड। तो फिर इसका क्या मतलब बनता है ये अरेबिक? यार मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटरेस्ट इंग्लिश बेस्ड का इंटरेस्ट लोगों हो। को, इंटरेस्ट बेस्ड लोगों को यार। अच्छा, इसमें ऐसे है, मैं बताता हूँ। भाई अब ये जरूरी नहीं सर्च के लिए है, ये डिस्प्ले के लिए भी तो हो सकता है। अब मेरी बात सुनो,
लोग सर्च कर रहे हैं अरेबिक में, सर्च करते हैं सारा दिन अरेबिक में, सर्च करते रहते हैं कोई भी चीज सर्च करते हैं। अच्छा अब हमने ऐड रन कर दिया इंग्लिश में, डिस्प्ले ऐड, ठीक है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस में अगर तो हमने अरेबिक सर्च किया है ना, यहाँ पे ऑल लैंग्वेज में अरेबिक लिखा है, तो जो अरेबिक में सर्च कर रहे हैं ना उनको भी हमारा ऐड दिखाई देगा। अब सर्च में तो दिखाई नहीं देगा, वो तो डिस्प्ले में दिखाई देगा। यहाँ पे समझ आ रही है बात के इंटरेस्ट बेस लोगों को, यानी कि इसमें देखे ना सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक, यानी कि ये जो इंग्लिश अरेबिक, अगर हम सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे ना तो जो अरेबिक, जिसको अरेबिक भी आती है इंग्लिश के साथ, तो चांसेस उसको शो नहीं होगा अगर सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऐसे है, तो आगे चले। हाँ आगे चले। Audience segment. अच्छा, select the audience to write your campaign. You can create your new data segment. Click on new segment. Okay. तो इस पे new segment पे हम करेंगे। जी। Okay. Okay, available segment types. ये segment है क्या चीज और इसको क्या मतलब practically क्या इसका role होता है? ओए sorry मेरी आवाज नहीं आ रही थी यार, माइक बंद था। कस्टम ऑडियंस पहले से हमने बनाई होती है लिस्ट एक न्यू सेगमेंट में, तो हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी पड़ी होती है। वो इस तरह से होती है कि कोई भी एक बिजनेस, जैसे आपका बिजनेस है और आप चाहते हो कि इतनी सी इतनी एज के दरमियान वाले लोगों को मेरा ऐड दिखाई दे, फॉर एग्जांपल 18 से 40 साल, एक मतलब एक सेट वो बन गया। दूसरा आपने कहा कि सबसे जो दुबई के टॉप 10% इनकम वाले लोग हैं ना, उनको मेरा ऐड दिखाई दे, दूसरा इसमें फिल्टर हो गया। अच्छा आप कहते हो सिर्फ मेल को दिखाई दे, एक और हो गया। अच्छा एक और इसी तरह से हम सेगमेंट बना लेते हैं, कस्टम ऑडियंस खुद से क्रिएट करते हैं, तो फिर उन्हीं को ही दिखाता है, पर उसमें ना बहुत नैरो हो जाता है आपका जो एड होता है। तो कोशिश करें वो इतना नैरो ना जाए, तो इसी तरह से हम इसे इंटरेस्ट बेस पे रख के ऑब्जर्वेशन पे लगा देते हैं कि ये भी हो, इस इंटरेस्ट बेस का लेके दे हमें कस्टमर ऑडियंस, और साथ में और भी लेके आए। अच्छा तो इसको हम कैसे बनाते हैं, हम इसको कट कर दो और मैं इसको कट करो ना, मैं बताता हूं। अच्छा यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे ये लग्जरी शॉपर लिखा हुआ है, यहाँ अपनी इंटरेस्ट बेस की ऑडियंस सिलेक्ट करो, आप जो सर्विसेज आप दे रहे हो उस तरह की, ये ऑटो हमें दिखाएगा सारी चीजें। दुबई कट कर दो बेशक, अब ये बिजनेस सर्विसेज आ गया इसमें, ये बिजनेस सर्विसेज है, ये आपके बिजनेस के रिलेटेड है, फर्स्ट वाला ऑप्शन पहला इसको सिलेक्ट कर दो इस यहाँ से। अच्छा ठीक है, एक्चुअली सर्च। अच्छा अगर कोई इस तरह से आपके उसके रिलेटेड आता है तो उसको भी सिलेक्ट कर दो, इस इंटरेस्ट बेस लोगों को भी हमारा ऐड दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट बेस की बात हो रही है। मैं इस तरह से आपको मैं किस तरह से समझाऊं, कल मैं आपको फेसबुक एग्जांपल देता, वैसे वो है तो इररिलेवेंट, मैं कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था और उसमें ना हमने बात की गोल्फ पे, वो थी चैंपियन, नेशनल चैंपियन अपने पाकिस्तान की, इसकी आवाज आ रही है, मेरी थी, ये विनायक पीछे भाई। अच्छा वो नेशनल चैंपियन थी गोल्फ की पाकिस्तान लेवल पे,
सेकंड नंबर पे। तो इस तरह से उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो मैंने जैसे चैट खत्म की ना, उसी दिन से ना मुझे गोल्फ की गेम्स के ना ऐड दिखाई देने लग गए। अब वो डेली मुझे दिखाई देते हैं, उस दिन के बाद डेली दिखाई देते हैं, हालांकि मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो चैट पे बात की थी गोल्फ की, पहले तो कभी मुझे नहीं दिखाई दिए। तो वो उसका जो एल्गोरिदम होता है एआई, वो समझता है कि ये जो बंदा, ये इसका जो ये बातचीत कर रहा है या बोल रहा है या कुछ लिख रहा है, तो उस इंटरेस्ट बेस, मतलब इंटरेस्ट बेस है, तो उस इसको इंटरेस्ट है गोल्फ का, तो उसने मुझे ऐड दिखाई देने शुरू कर दी। जैसे सिंपल हम किसी भी कोई शॉपिंग करनी हो, हमने कुछ भी कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो, तो उससे रिलेटेड एड्स हमेशा होने लग जाते हैं अगर हम सर्च करें। शो होने लग जाते हैं। आप कहीं पे मोबाइल में कहीं किसी भी जगह पे जाके सर्च करोगे कोई चीज, तो 2 दिन बाद 1 दिन बाद आपको उस तरह के ऐड दिखाई देने लग जाते हैं। आप कोई बात करते हो, आप कॉल पे बात करते हो, आप अपने घर वालों से बात करते हो, अगर आपके मोबाइल का डाटा ऑन है, तो उस तरह के जो बातें आप घर में कर रहे होते हो ना, उसी तरह के ऐड दिखाई देने लग जाते हैं हमें। तो ये इंटरेस्ट बेस होता है, ये एआई है इसका, सारे जितने भी एप्स हैं, गूगल का भी एआई है, ये समझता है चीजों को, सुनते हैं हमें, तो उस तरह के हमें ऐड दिखाई देते हैं। वो ऐड जरूरी नहीं कि वो खुद से बना के, वो किसी ने रन किए होते हैं उस सर्विसेज के लिए जिस जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, वही ऐड हमारे सामने आ जाते हैं, वो हमें पकड़ लेता है कि ये बंदा भी इसी इंटरेस्ट बेस का है। अच्छा, तो हाँ, ऑडियंस सेगमेंट समझ आ गई है? यस आ गई है। नहीं आई तो इससे पूछ ले। नहीं, नहीं आ गई है, कॉल लाइन गई। हमारी रिसेंट पोस्ट है, हमसे ही आया था, इसलिए हम अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि सिंपल हम ऑडियंस एक, अगर उसको हम पर्सपेक्टिव देखें ओवरऑल, तो ऑडियंस को एक ब्रॉड करने के लिए मजीद ऑडियंस को हम इसको एक अच्छा वो इसको यूज कर सकते हैं। ये काशिफ किस कौन सी सेटिंग में ऑप्शन ऑफ करके, जरूरी थी हम ये जो ऑडियंस सेगमेंट है, हम ये जरूरी नहीं सिलेक्ट करो आप ना, नहीं भी कर सकते, कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कन्वर्जन पे जाते हैं ना बिडिंग स्ट्रेटजीज में, तो वो फिर इस इंटरेस्ट बेस के लेके आता है लोग, जो हम यहाँ पे उसको ऑप्शन देते हैं, अगर हम यहाँ ऑप्शन ही ना दें फिर वो कैसे लेके आएगा? फिर तो हम वैसे तो हमने वो तो लेके आएगा, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड की बेस पे लेके आएगा। अच्छा, अगर यहाँ दें तो वो दोनों की इंटरेस्ट को यहाँ दे मैच। तो वो खींच आता है, ये उस ये जो ऑडियंस सिलेक्ट करनी है ना, इसमें हमें तब फायदा होता है जब हम कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजीज कन्वर्जन पे लगा देते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो नेक्स्ट इसको चले, बस इसमें यही ऑडियंस हाँ, सेगमेंट ये में इसमें सकते। जितने आप सर्च करो अपने कीवर्ड्स को, 2-3 तरीके से जितने आपके बिजनेस के रिलेटेड या आ रही है ना ऑडियंस, तो वो सारी आप सिलेक्ट कर दो, कोशिश किया करो। अच्छा, इसके नीचे एक ऑप्शन होता है, ये 2 ऑप्शन आ रही है, ये टारगेटिंग आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है। टारगेटिंग में ये होता है कि जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया सिर्फ इन्हीं को ही दिखाना है, तो टारगेटिंग हो जाएगी। टारगेटिंग नहीं, हम ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये समझ आती है कि अब जो हमने सिलेक्ट किया है ना, बहुत नैरो हो जाती है, बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है। अब हमें क्या पता कि इस सेगमेंट में कितने लोगों को रखा हुआ है गूगल ने, हमें नहीं पता, तो हम ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल होता है, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं और तरह के, हम नेगेटिव में भी ऐड कर सकते हैं, हमारी बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग देख देखे। ठीक है, ओके। तो ये हमेशा ही ऑब्जर्वेशन पे जाना है आपने। ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दो, ये कह रहा है वो कन्वर्जन पे करेंगे तो ब्रॉड लगेगी। अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट इसको नेक्स्ट करेंगे, मोर सेटिंग पे भी जाना है हमें। मोर सेटिंग आप देख लो, लेकिन आई डोंट थिंक कि वहां पे कुछ करना है, आप जस्ट देख लो कि वो सारी रिकमेंडेड होती हैं, मतलब ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एड स्टार्टिंग द एड स्केड्यूल। इनको अच्छा, यहाँ टाइम हम कर सकते हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल टाइम बिल्कुल के लिए करते हैं। कैंपेन रोल ऑप्शन, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन,
अच्छा, नो ब्रांड लिस्ट्स अप्लाइड, ये क्या ब्रांड रिस्ट्रिक्शन कैसे वर्क करती है? इसको ऊपर करो, यहाँ साइड पे जो एरो है उस पर क्लिक करो ना, कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो, ये मेरे ख्याल में आप आया है। नहीं छोड़ दो, इस पे भी वही लिमिट वाला ऑप्शन आ जाता है कि बहुत नैरो हो जाएगी आप सर्च। यानी जैसे हम अगर करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट शॉपिफाई, तो शॉपिफाई आपने सर्च किया तो यानी ब्रांड का कीवर्ड आएगा तो वो दिखाएगा, ऐसे ही है ना? मेरे ख्याल में इसी तरह से होगा, पर इस पे नहीं जाना हमें, ब्रांड वो रिस्ट्रिक्शन। मेंशन सिलेक्टेड ब्रांड्स, तो जिसको हम वो करेंगे तभी वो करेगा। हमें तो उस पर दिखाना ही है। हाँ ठीक है। एडवांस सेटिंग्स होती हैं, इनको हम स्टार्ट में नहीं देखते, लाइक इस लेवल पे हम नहीं इसको यूज करते। एड ग्रुप नेम दे दो, जो भी आपने नया एड ये जो ग्रुप ये ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो उसने ऑटो से हमें वेबसाइट से उठाओ के हमें कीवर्ड दे दिए। अगर हम वो लिंक नहीं देते तो फिर उसने कीवर्ड्स भी नहीं देने थे, और फिर हमने जो कीवर्ड्स सेलेक्ट किए हैं वो हम खुद लगा लेते। अभी अच्छा, अभी हम यहाँ रिमूव करके अपने भी कीवर्ड रख सकते हैं, जो वहां से कॉपी करो यहाँ पेस्ट कर दो, अगर यहाँ पे वो है अच्छा, ऑलरेडी तो फिर ठीक है। अब ये जो कीवर्ड चाहिए ना, अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, अब इसी को आप इसी को किसी कीवर्ड्स को ब्रॉड में, किसी को फ्रेज में, किसी को एग्जैक्ट में रख सकते हो आप। ठीक है। बेशक आप दो ब्रॉड में रख दो, दो फ्रेज में रख दो, दो एग्जैक्ट में रख दो, उसकी आप सिंबल देने पड़ते हैं, आप उसके निशान जो होते हैं हमारे वो लगाओ इसको, किसी को आपने लगाना है तो। अच्छा दिमाग नेट इज स्लो। ये आपको नीचे बताया भी गया है कि कैसे आपने रखना है इसको एग्जैक्ट में। कीवर्ड अगर सिंपल ऐसे ही रहेगा तो ये ब्रॉड मैच में आ ब्रॉड जाएगा, बिल्कुल डबल कोट्स में है तो फ्रेज में चला जाएगा, ब्रैकेट और तो एग्जैक्ट में चला जाएगा, और बिल्कुल बिजनेस सेटअप है ये हमारा फ्रेज में चला जाएगा, ये फ्रेज में चला गया, बाकी सारे हमारे ब्रॉड में चले गए हैं, ऊपर वाला एग्जैक्ट में और सेकंड जो है वो फ्रेज में। और ठीक है, अभी हमने कौन सा पब्लिश करनी है इसको, हम कंटिन्यू कर लो, नीचे आओ। दुबई, जैसे ये शूरा दुबई है तो इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये डिपेंड करता है ना, अगर आपको लग रहा है अभी तो एग्जांपल चल रही है ना हमारी, ठीक है, अगर नहीं ये तो आपको रख सकते वैसे, उसमें ये एक ब्रांडेड कीवर्ड है ना, आप शूरा नाम है ना वेबसाइट का, तो ब्रांडेड भी है ब्रांडेड हमारी वेबसाइट। कीवर्ड जाने दो, ब्रांडेड कीवर्ड कोई इशू नहीं है, नहीं डालो तो वैसे सर्चेज हैं इसकी छोटा के शूरा दुबई की मेरे ख्याल है सर्चेस, क्योंकि बड़ा ब्रांड है ये। बात है, नहीं है तो फिर भी जाने दे, कोई इशू नहीं है, ब्रांडेड कीवर्ड यूज कर लिया करें। ठीक है, अच्छा ये एड्स आ गए हमारे पास, एड स्ट्रेंथ। अच्छा ये मैं लिंक शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, काइंडली ज्वाइन है।
क्योंकि यहाँ पे कॉल जो है वो बिल्कुल लैंड होने वाली है। Thank you.